अस्सलाम वालेकुम कुकन कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ मज़ेदार से सूजी और गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जो है 1.5 किलो जो है वो गाजरें ले ली और अच्छी तरीके से मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ऊपर रख दिया। आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो गाजरें भी अच्छी तरीके से ये 4-5 से 6 मिनट इसकी बनाई की अच्छी तरीके से गाजरें हमारी गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। पानी अभी थोड़ा थोड़ा सा है तो अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, देखिए साथ ही मैंने बादाम भी रख दिए हैं ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और उनका छिलका हम उतार लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी अभी है तो ये सूजी 1.5 कप मैंने सूजी का ले लिया और उसको अच्छी तरीके से बगैर घी के इसकी बनाई कर ली है। तो अब इसको ऐड कर देंगे। इससे जो है ना मज़ेदार सा टेक्सचर आता है, बहुत ही मज़े की लगती है। आप एक बार बनाकर देखना इस तरीके से तो बहुत मज़े की आपको लगेगी। तो अच्छी तरीके से इसकी बनाई कर लेनी है, 5 से 6 मिनट इसकी बनाई कर ली है। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, जितनी आपने शामिल करनी है। मैंने ज़रा कम ही रखी है मीठा और ये चम्मच जो मैंने एक बचाया था वो भी ऐड कर लिया था बाद में। तो ये देखिए साथ ही इसमें 1/2 कप जो है मैं वो डालूंगी मिल्क पाउडर का मैंने शामिल किया। 4 मैंने छोटी इलायच के बीच शामिल किया, आप चाहें तो वैसे भी शामिल कर सकते हैं पीसी हुई। तो साथ ही इसमें मैंने जो है 1 चम्मच जो है देसी घी का शामिल कर दिया। आप डालडा भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आता है। 1.5 चम्मच मैंने शामिल किया था तो ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने इसका शामिल किया है। अगर बाद में भी ज़रूरत महसूस हुई तो 1 चम्मच आप और भी ऐड कर सकते हैं देसी घी का। अब ये घी भी शामिल कर लिया है तो घी को शामिल करके भी अच्छी तरीके से इसकी जो है भुनाई करनी है। भुनाई इसकी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए साथ ही अब मैं 2 चम्मच डेसिकेटेड खोपरे के ले लिए और बादाम ले लिए कटे हुए, इनको भी शामिल करके बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही पेंदे से हमारा जो हलवा है वो छूटना शुरू हो जाएगा तो हलवा जो है समझे आपका रेडी है। खुशबू बड़ी मज़े की माशाल्लाह से आ रही है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसकी बनाई हो रही है। तो ये देखें देखें जैसे ये हो रहा है तो अब माशाल्लाह से हलवा तैयार है। तो अब इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए मज़ेदार सा हलवा जो है हमारा तैयार है। जैसे कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया तो अब इसको डिश आउट कर लेंगे। प्लीज़ मेरी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, लाइक ज़रूर कर देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। तो चल अपनी फैमिली को भी बना कर दे, खुद भी इंजॉय करें। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।